हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून वेलकम टू टेक्स्टबुक बैंकिंग कैसे हो आप सब लोग या uh, yeah. तो आज हमें डिस्कस करने है कुछ एमसीक्यूज ऑन पर्सनालिटीज के ऊपर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स उनके अचीवमेंट्स को लेके आज कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं हमारी एग्जाम्स में दो से तीन क्वेश्चंस इन

सो so, जैसे कोई भी मीडिया पूरे वर्ल्ड में काम करती है उसी तरीके से ये लोग भी वर्क करते हैं इनका भी मीडिया ग्रुप है इसके भी चैनल्स मैगजीन्स या बाकी पब्लिशिंग हाउसेस है इसी तरीके से लोग काम करते हैं ये एक बस पॉइंट याद रखिएगा चलो तो अभी स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को तो हमारे आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों सुबह मॉर्निंग सेवन ओ हमारा करंट अफेयर्स का सेशन होता है जहां पे अलग अलग बैंकिंग एग्जाम्स के एंगल में इंश्योरेंस एग्जाम्स के एंगल में हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारी एग्जाम में सबसे बड़ा पार्ट जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है तो आप इन सेशन को अटेंड करना मत भूलिएगा ठीक है चलो तो मैं शुरू करता हूं सेशन को जल्दी से एक बार लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना भी मत भूलिए दोस्तों टेक्स्ट बुक पास का हमारा सेल चल रहा है जहाँ पे आप ये पीएसपी पास कोड यूज कर सकते हो जो आपको आने वाले समय में इेक्स बुक पास में बड़ा अच्छा डिस्काउंट देगा ईयरली टेक्सुक पास जो है फाइव एटी प्लस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी तो जिस किसी को मॉक टेस्ट के थ्रू अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्गर करना होगा नेशनल लेवल की रैंकिंग को एग्जाम से पहले चेक करना होगा तो बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है सो डू एनरोल इन टू दैट सुपर कोचिंग पे आप अपने पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और डिटेल में बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ सकते हो सुपर कोचिंग में आपको वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे मॉक टेस्ट तो रहेगी प्लस जिस किसी फैकल्टीज के आप लेक्चर्स अटेंड करते हो उनके नोट्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे तो केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आप इंडिया के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज के लेक्चर्स देख सकते हो प्लस हमारी जो फैकल्टीज है वो भी आपके साथ लाइव सेशंस में बात करेगी आपके डाउट्स को सॉल्व करवाने के लिए आपको हेल्प करेगी प्लस नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो और ये सब कुछ आपको मिलेगा थ्री थर्टी थ्री रुपीज में अगर आप ये कोड यूज करते हो तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा ये मंथ ईयर का भी आपके पास सब्सक्रिप्शन है हाफ ईयर का भी सब्सक्रिप्शन है तो किसी भी सब्सक्रिप्शन में अगर आपको जाना होगा सो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड ठीक है मैं स्टार्ट करता हूं लेक्चर को सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों ये रहा चलो रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज आ, सर हैज रिसेंटली गॉट एडिशनल चार्ज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री <coughs> तो तरुण बजाज सर जो हमारे देश के रेवेन्यू सेक्रेटरी है फिनेंस मिनिस्ट्री के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यूज के बारे में नॉर्मली ध्यान रखता है तो उसी डिपार्टमेंट के तरुण बजाज सर सेक्रेटरी है इनको रिसेंटली एडिशनल चार्ज दिया गया एक दूसरे मिनिस्ट्री का ये तरुण बजाज सर आपके सामने और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का इस मिनिस्ट्री की भी मिनिस्ट्री ये

प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के वो प्रेसिडेंट बन गए तो वो सॉरी सेक्रेटरी बन गए तो वो जो पोजीशन थी वो खाली हो गई वहां पे एडिशनल चार्ज ये सर को दिया गया है ध्यान रखिएगा चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है Shareholders of 197 Communications, which operates under the Paytm brand, uh, have approved the reappointment of whom as the managing director and chief executive officer of the company. 197 Communication Paytm. कि जो मदर कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन पेटीएम इस ब्रांड नेम से वो लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते हैं तो उसके एमडी और चेयरपर्सन सीईओ का नाम पूछा हुआ है सबको पता है वैसे रीअपॉइंटमेंट हुई है ऐसा चर्चा चल रही थी कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आ, इनके नाम को लेके काफी आशंकाएं जताई जा रही थी बट सारे शेयर होल्डर्स ने इन्हीं के फेवर में वोट किया हुआ है सो so, विजय शेखर शर्मा सर की बात करेंगे पेटीएम के फाउंडर है पेटीएम के आ, करता धरता है और उनको रीअपॉइंट किया गया उनके बोर्ड के द्वारा एज द एम एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एम ये एक पॉइंट याद रखिए चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा Central government has decided to extend the Union Home Secretary's term by one year. Union Home Secretary. नॉर्मली ये भी बहुत बड़ी पोस्ट है होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के पोजीशन पे इनको अपॉइंट किया गया है नॉर्मली थ्री इयर्स के लिए इनको अपॉइंट किया गया था पर इनको और एक साल का एक्सटेंशन दिया गया तो अमित शाह सर के होम मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के पोजीशन पे इनको एक्सटेंशन मिला हुआ है वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई ऑफिसर ऑफ इंडिया और आंसर इज अजय कुमार भल्ला सर की बात करेंगे सो so, अजय कुमार भल्ला सर ये होम uh, सेक्रेटरी के पोजिशन पे अपॉइंट किए गए थे इनका एक्चुअली टेरियर खत्म हो रहा था पर इनको और एक साल का एक्सटेंशन दिया गया ही डिड अ वेरी गुड जॉब यहाँ पे राजू गौबा सर का भी नाम लिखा हुआ है इज अ कैबिनेट सेक्रेटरी मीन्स पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री के ये सेक्रेटरी है और भल्ला सर की बात करें अजय कुमार भल्ला सर की बात की जाए तो होम सेक्रेटरी के पोजीशन पे काम करते हैं। कुछ सेक्रेटरीज़ की पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है और काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के हो हमने बजाज सर की बात की थी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री हो वर्मा सर अभी प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट मैम के सेक्रेटरी बन चुके हैं या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर होम सेक्रेटरी काफी सारे क्वेश्चन इनके नामों के ऊपर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है स्पोर्ट्स एंड पर्सनालिटी का काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन है इंडिया की पहली महिला फुटबॉल प्लेयर जो यूएफआ जो यूरोपियन क्लब्स का चैंपियनशिप होता है वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे साइप्रस नाम की कंट्री का एक क्लब है उस क्लब के लिए मैम खेले हैं तो ये इंडिया की पहली फुटबॉलर है जो यूएफआई जैसे बड़े चैंपियनशिप के अंदर खेले हैं तो क्वेश्चन तो बनेगा प्लस अभी रिसेंटली इनको इंडिया का बेस्ट महिला फुटबॉलर का अवार्ड भी दिया गया नाम है मनीषा कल्याण स्ट्राइकर है इंडियन फुटबॉल टीम की महिलाओं के टीम की एंड शी गॉट द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड सुनील छेत्री साहब को मेल कैटेगरी में मिला मनीषा कल्याण मैम को फीमेल कैटेगरी में और इंडिया की पहली महिला फुटबॉलर है जो यूएफए चैंपियनशिप के अंदर खेली है तो क्वेश्चन तो बनेगा यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा <coughs> जी हां सही कहा आपने हरियाणा से है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एज अपॉइंटेड होम एज दिंगल टीम कि द्वारा एक बड़ेजिस्ट माने जाते हैं ये क्रिकेट खेले है पर इतना ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले है बट साउथ अफ्रीका के टीम के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए एक स्ट्रैटेजिस्ट के पोजिशन पे एक स्पिन बॉलर एक्सपर्ट के पोजिशन पे ये काम कर चुके हैं और अभी इन्हें अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश का कोच और नाम है श्रीधरन श्रीराम श्रीधरन श्रीराम आईपीएल में आरसीबी के 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 टीम के लिए भी एक analyst, एक एनालिस्ट, असिस्टेंट कोच पोजीशन पे काम कर चुके थे सो वेरी फेमस एक्चुअली फॉर नॉट एज अ क्रिकेट प्लेयर बट एज कोच एज अ स्ट्रेटेजिस्ट ये बड़े फेमस है तो श्रीधरन श्रीराम सर की बात करेंगे कोचिंग बांग्लादेश क्रिकेट टीम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट एज बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज सीनियर साइंटिस्ट एट नासा न्यू मून प्रोग्राम आर्टिमिस वन अभी आर्टिमिस वन का लॉन्च थोड़ा सा डिले हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आर्टिमिस वन ये नासा का प्रोग्राम है जो मून को लेके है आर्टिमिस टू के अंदर इंसान को भेजा जाएगा चांद के ऊपर पहली बार कोई महिला चांद पे जाएगी पर उसके पहले एक unmanned, uncruved, आ, ये प्रोजेक्ट है 1. इसके लिए एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को अपॉइंट किया गया है और नाम है अमित पांडे अमित पांडे साहब यह पहले अभी तक लॉकिड मार्टिन नाम की यूएस बेस्ट कंपनी है और उस कंपनी के लिए काम कर रहे थे और लॉकिड मार्टिन से अभी इन्हें नासा ने अपॉइंट किया हुआ है एज अ सीनियर साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन है बट बड़ा अच्छा नाम है इस फील्ड में एंड इज बिन अपॉइंटेड ओवर हियर चलो बहुत बढ़िया दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा द सेंटर हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बाय थ्री मंथ्स ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इनका भी टेन्योर एक्सटेंड किया गया तीन महीने से हमारे हमारे इंडिया में गवर्नमेंट में सबसे बेहतरीन पोजीशन और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन इनकी मानी जाएगी इंडिया में कोई भी मेडिसिन ये अलाउ करना है नहीं करना है कोई वैक्सीन्स को अलाउ करना है नहीं करना है मेडिसिन के है या वैक्सीन्स के अंदर कौन से कंपोनेंट्स है क्या वो सही है गलत है ये सब कुछ एट द एंड डिसाइड करने वाली अथॉरिटी ये होती है आ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल्स केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री हमारे पास है उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उनके अंदर ये डिपार्टमेंट काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट वेजिलेंट अथॉरिटी है और इस पोजिशन पे वीजी सोमानी सर काम करते हैं कोविड-19 में इनका नाम बड़ा फेमस हो गया था बिकॉज़ जो भी वैक्सींस आ रहे थे इंडिया में कोविड-19 के लिए फाइनली इनकी परमिशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा थी सो so इनका नाम भूलिएगा मत वीजी सोमानी सर इनको एक्सटेंशन दिया गया कि और कुछ दिन आप काम कीजिए नया पर्सन का अपॉइंटमेंट शायद उनके बाद किया जाएगा बट ही इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आगे बढ़ते हैं सर्विस इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो अथॉरिटी अभी अभी बनाई गई है पहले इसे बैंक बोर्ड ब्यूरो कहा जाता था तो अभी एफ एस आई भी नाम दिया गया तो फिनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इन्होंने रिसेंटली नाबार्ड के चेयरमैन के पोजिशन पे किसका नाम रिकमेंड किया है नाबार्ड के नए चेयरमैन अपॉइंट किए जाने वाले हैं। अपॉइंटमेंट तो गवर्नमेंट करेगी अपॉइंटमेंट तो कैबिनेट करेगी पर नाम का जो रिकमेंडेशन है वो एफ एस आई बी की तरफ से आता है फिनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो और नाबार्ड के नए चेयरमैन के पोजिशन पे जिनका नाम रिकमेंड किया गया है वो है मोहम्मद मुस्तफा सर मोहम्मद मुस्तफा सर इसके पहले आ, कुछ और इंस्टीट्यूशंस को भी हेड कर चुके हैं जैसे फॉर एग्जांपल सिडबी ये सिडबी के भी हेड रह चुके हैं सो मोहम्मद मुस्तफा अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस एज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड इनका नाम रिकमेंड किया गया है एफएसआईबी की तरफ से कि नाबार्ड के नए हेड बनेंगे देखिए रिकमेंडेशन तो एफ एस आई बी देगी फाइनल सिलेक्शन कैबिनेट करेगी पर FSIB ने अगर किसी का नाम रिकमेंड कर दिया तो लगभग वो फाइनल ही हो जाता है अगर लास्ट मोमेंट पे कैबिनेट का अगर मूड चेंज हो गया अपॉइंटमेंट कमिटी के हेड पीएम साहब होते हैं अगर उनका मूड चेंज हो गया तो फिर शायद चेंजेस देखने को मिलेंगे पर अदरवाइज चांसेस बहुत ज्यादा है कि नाबार्ड के हेड ये मोहम्मद मुस्तफा सर बनेंगे ये सारी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बी सिवरमन कमेटी या क्राफिक कार्ड कमेटी कहते हैं उनके रिकमेंडेशन पे नाबार्ड को क्रिएट किया गया था हमारे एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के डेवलपमेंट के लिए यस नेक्स्ट आपके सामने फॉर्मर बीसीआई सेक्रेटरी एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन उनका रिसेंटली देहांत हो गया बी सी सी आई के फॉर्मर एक्टिंग सेक्रेटरी थे जब बी सी सी आई के ऊपर कार्रवाई चल रही थी थोड़ा इशू चल रहा था आई पी एल स्कैम को लेकर तब ही वॉज द एक्टिंग सेक्रेटरी आई पी एस ऑफिसर रह चुके हैं ये अपने आप, रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट फील्ड में काफी एक्टिव हुए और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे इसके बाद इलेक्शन के लिए भी खड़े हुए पर अनफॉर्चुनेटली वहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा बट क्रिकेट वर्ल्ड में इनका नाम बड़ा फेमस था और नाम है अमिताभ चौधरी सर अमिताभ चौधरी सर रिसेंटली इनका देहांत हो गया काफी शॉकिंग न्यूज थी एक्चुअली बट आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं तो यह काफी बड़ा अच्छा नॉलेज एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेशन का भी इनके पास था और बाद में वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेके ही बिकम वेरी एक्टिव इन द क्रिकेट फील्ड एज वेल एज क्रिकेट मैनेजमेंट एक्चुअली नॉट क्रिकेट फील्ड क्रिकेट मैनेजमेंट एज वेल एज इन द पॉलिटिक्स नेक्स्ट नोटेड कनाड़ा नाम है उनका शिवमोगा सुबन्ना इनका रिसेंटली देहांत हो गया हार्ट अटैक से ये बेसिकली कौन से से फील्ड बिलोंग करते थे आ, या कन्नड़ा कनेड़, लैंग्वेज में काफी बड़ा रोल इनका रहा है इनको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है तो ये एग्जैक्टली कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे 1978 में इनको नेशनल अवार्ड दिया गया था इनके एक कलाकृति के लिए इनके काम के लिए तो एग्जैक्टली फ्रॉम विच फील्ड ही टू बिलोंग

किसको इलेक्ट किया गया है व्हाट्स द नेम आर्टिकल नंबर 66 को फॉलो करते हुए वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हम लोग कंडक्ट करते हैं तो इस पोजीशन पे किसका इलेक्शन हुआ है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अभी यस आंसर इज जगदीप धनकर सर की बात करेंगे यार यहां पे तो मेरे ख्याल से गलती नहीं होनी चाहिए ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 66 बस याद रखेगा एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन काफी उनके जगह मंथ ऑफ नवंबर ये हमारे देश के चीफ जस्टिस रहेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट को लीड करेंगे आंसर इज उदय उमेश ललित सर की बात की जाएगी ठीक है uh, <coughs> Uh, Pradeep Patwardhan passed away at the age of 64. He was renowned Marathi. वॉट सो राइटर थे डायरेक्टर थे पॉलिटिशियन थे एक्टर थे या सिंगर थे प्रदीप पटवर्धन मराठी इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम था आ, काफी आ, जाना माना चेहरा मान सकते हैं और इनका रिसेंटली हार्ट अटैक से देहांत हो गया ही वाज बेसिकली एन एक्टर एक्टर इन द मराठी मूवी इंडस्ट्री एज़ वेल एज़ थिएटर इंडस्ट्री काफी रेनाउंड नाम था और जिनका रिसेंटली देहांत हो गया यस दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने

फोर इनका होता है है और इनके appointment करने के 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 लिए एक committee है, जिसके अंदर अंदर देश के Prime Minister, Leader of Opposition of Logs, देश लोकसभा, भी इसके अंदर होते हैं और वो कमेटी इनको अपॉइंट करने के लिए रिकमेंडेशन देती है और हमारे देश के सीवीसी है सुरेश एन पटेल सर रिसेंटली इनको ओथ दिया गया इस पोजीशन पे स्टैट्यूटरी पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है स्टैट्यूटरी है 2003 में इसे पार्लियामेंट्री एक्ट के अंदर प्रॉपरली uh, एस्टैब्लिश किया गया पर ओरिजिनल एस्टैब्लिशमेंट 1964 का है और सुरेश एन पटेल सर इस पोजीशन पर फिलहाल काम कर रहे हैं तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन आर्मी इन द मेमोरी ऑफ हुम लॉन्च द चेयर ऑफ एक्सेलेंस इंडियन आर्मी ने एक एक्सेलेंस डिपार्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है और जहाँ पे आर्मी के अलग अलग एक्सेलेंस के ऊपर वर्क किया जाएगा कुछ नई इनोवेटिव एक्टिविटीज कोई नई स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस दिया जाएगा और इंडिया के बड़े बेहतरीन आर्मी हेड प्लस इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनका आ, बड़ा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनका देहांत हुआ था बस उन्हीं के नाम पे आंसर इज जनरल बिपिन रावत सर की बात करेंगे इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उन्हीं के नाम पे ये चेयर ऑफ एक्सलेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओपन किया डिफेंस सॉरी इंडियन आर्मी के द्वारा ओपन किया गया है यस दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन फर्स्ट ब्लैक वेमेन सिलेक्टेड टू सर्व एज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली ब्लैक महिला जिनको जस्टिस के पोजिशन पे इलेक्ट किया गया उनका नाम ये हिस्टोरिकल कंसेप्ट है तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल आएगा हंड्रेड परसेंट आता है और ऑलरेडी इसके ऊपर कई बार बातें की गई है आंसर इज uh, केतनी ब्राउन जैक्सन की बात करेंगे सो so, केतन जी ब्राउन uh, जैक्सन

अचीवमेंट है उनका तो क्वेश्चन यहां पे बनेगा यस दोस्तों वेमेन एथ सॉरी वेलकम एंथम फॉर द इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड अभी रिसेंटली फोर्टी फोर्थ इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में uh, चेन्नई में मामलापुरम या महाबलीपुरम जिसे हम लोग कहते हैं वहां पे और इस चेस ओलंपियाड का वेलकम एंथम किसने कंपोज किया ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है नेक्स्ट चेस ओलंपियाड या हंगेरी के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा और इस बार इंडिया में था इंडियन टीम मेल एज वेल एज फीमेल टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है इस चेस ओलंपियाड के अंदर और इसका एंथम कंपोज किया था नन अदर देन इंडिया लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर ऑस्कर अवार्ड विनर ए रहमान सर की बात की जाएगी यस थम्बी वॉज अ मैस्कॉट एब्सोलूटली राइट फेमस क्रिकेटर शेन वहन पास कंट्री ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है साहब इनका देहांत हो गया. को भी ये लीड किया करते थे और उसी वक्त में राजस्थान रॉयल को आईपीएल का ट्रॉफी भी मिला था एंड ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली उनका देहांत हो गया क्रिकेटर्स या किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर्स के कंट्रीज को लेके कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट फ्लैग द ग्रेट इंडियन रन फ्रॉम द लाल चौक इन श्रीनगर मेरे ख्याल से इसका आंसर आप इजीली दे पाओगे श्रीनगर की बात हो रही है जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कौन है बेसिकली यही क्वेश्चन आपके सामने है ग्रेट इंडियन रन नाम से एक मैराथन इन्होंने रिसेंटली फ्लैगड किया शुरुआत की उसकी तो श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कौन है यह आपके सामने क्वेश्चन है मनोज सिन्हासर की बात करेंगे कल्पना चावला सुनीता विलियम्स के बाद ये नाम बहुत मैटर करेगा इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने स्पेस में फ्लाई किया हुआ है आंसर इज श्रीशा बंडला की बात की जाएगी यस ध्यान रखिएगा इंडियन मोस्टली नाउ शी इज नॉट द इंडियन सिटीजन एक्चुअली शी इज इंडियन ओरिजिन बट मैटर बहुत करेगा सुनीता विलियम्स जी कल्पना चावला जी की हम लोग कई बार बात करते हैं एंड उसी uh, लिस्ट में अभी इनका भी नाम एड हो गया है याद रखियेगा who is the president of Ukraine? A very simple, very straightforward question in front of you. अभी recently इनको Liberty Award भी दिया गया है uh, US के एक foundation की तरफ से इनको Liberty Award दिया गया The whatever the efforts he took. फॉर यूक्रेन बिकॉज रशिया का वॉर जब स्टार्ट हुआ तो सिंगल हैंडेडली काफी सारी इन्होंने एक्टिविटीज की थी और आंसर इनका है व्लाडिमिर जेलेंस्की की बात करेंगे किसी ऑप्शन की जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ध्यान रखिएगा केविन ओब्रायन रिसेंटली अनाउंसेस रिटायरमेंट क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें तो इनका नाम बड़ा बाद डिस्कस किया जाता है वन ऑफ द फास्टेस्ट हंड्रेड स्कोर किया था इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर एंड वेरी फेमस थे इनकी टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है बट ही हिमसेल्फ वाज वन ऑफ द वेरी अमेजिंग बैटर एंड अनाम Uh, ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं केविन ओब्रायन साहब रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया हुआ है सो अगेन अ क्वेश्चन कैन बी आस्क नेपाल कामी रीता शर्पा uh, इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है 26 टाइम्स इन्होंने वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंट uh, uh, यहां पे चढ़ाई की हुई है सबसे ज्यादा बार बेसिकली शेरपा शेरपा जब कहते हैं तो चलो आंसर तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट की बात की जाएगी माउंट एवरेस्ट की जब चढ़ाई की जाती है तो साथ में जो गाइड करने के लिए होते उनको शेरपा कहा जाता है और कामी रीता साहब की बात की जाएगी तो इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है 26 टाइम्स इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे पब्लिक को गाइड किया जाने के लिए काफी लोगों को सो ही क्रॉस दैट रियली वेरी अमेजिंग यस yes, दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए यस uh, yes, आज थोड़ा हमें टाइम पे रुकना पड़ेगा कल uh, हमने कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे कि बट वो हम आने वाले सेशन में कवर करेंगे कल मेरे कल से कल एंड परसों एग्जाम्स है हमारे काफी सारे दोस्तों की तो आपके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से एग्जाम दीजिए अच्छे से फोकस रखिएगा और आपको आता सब कुछ है बस वो लास्ट मोमेंट का मेंटेन करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट वीक में और कुछ सेशंस आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और नेक्स्ट वीक में एक स्पेशल सेशन है थोड़ा बड़ा सेशन होगा जहां पे हम बैक टू बैक बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे तो उस सेशन को भी अटेंड करना मत भूलेगा इंफॉर्मेशन जल्दी दे देंगे बट अभी फिलहाल ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से एग्जाम दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर